बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई की संचालन प्रक्रिया समझी। जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई में बनाकर रखे गए खाने की गुणवत्ता की जांच करने को लेकर स्वयं ने खाना खाया। इंदिरा रसोई का खाना खाकर जिला कलेक्टर संतुष्ट नजर आए और उन्होंने भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। दौरे के दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ रहे। राज्य सरकार की संकल्पना कोई भूखा ना सोए को साकार करती राजकीय महाविद्यालय में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित द्वारा शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा राजकीय महाविद्यालय में संचालित इंदिरा रसोई में व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने इंदिरा रसोई में लाभार्थी के पंजीकरण तथा रसोई में बने खाने का बड़ी बारीकी के साथ अवलोकन करते हुए जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान उन्होंने लाभार्थी कमरुद्दीन, अमृत कुमार, गफूर खां, देवाराम, कवराज और ओमकार से बात कर मिल रहे भोजन के गुणवत्ता की जाँच की। इसी क्रम में जिला कलेक्टर द्वारा इंदिरा रसोई में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया गया। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर संतुष्ट नजर आए। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को राजकीय महाविद्यालय में संचालित इंदिरा रसोई के प्रचार प्रसार हेतु मुख्य द्वार पर बैनर लगाने के निर्देश दिए। इंदिरा रसोई जो यहाँ जो बाड़मेर में चल रही है सिटी में, उसमें से एक रसोई पर आज निरीक्षण भी किया, यहाँ खाना भी खाया। खाने की क्वालिटी यहाँ अच्छी है, जैसा लोग बता रहे हैं। यहाँ पे लगभग 90 लोग प्रतिदिन सुबह और लगभग 70-80 बच्चे जो हैं शाम को खाना खाते हैं। अभी क्योंकि परीक्षाएं चल रही है कॉलेज की, तो इसलिए थोड़ा नंबर इस समय कम है। लेकिन इसका यहाँ आने का उद्देश्य, इसको देखने का उद्देश्य मूल रूप से ये है कि एक तो राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का प्रचार प्रसार हो, लोगों में इसकी जानकारी पहुंचे और जो संचालक हैं वो भी इस चीज़ के लिए इसके अपने संचालन को करने में उत्साह महसूस करें। इसलिए मैंने भी यहाँ आज खाना खाया और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मैं जहाँ संभव होगा मैं स्वयं भी जाऊँगा, हमारे अधिकारी भी समय समय पर इसको अटेंड करें और वहाँ खुद भी खाना खाएँ, ताकि इनका भी एक उत्साहवर्धन हो, इनमें एक इनका मनोबल बढ़े। और साथ ही जो लोग मामाशाह हैं या जिनके भी परिवार में कोई भी किसी प्रकार का कोई उत्सव या कुछ हो, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि यहाँ अपनी तरफ से इस अपनी तरफ से डोनेट करें, अपनी तरफ से लोगों को खाना खिलाएं जो ज़रूरत बने उनके लिए, और वो ना भी करें तो उस फूड को और इम्प्रूव करने के लिए, चाहे अपनी तरफ से अच्छा, अगर कोई आपका जन्मदिन है कुछ और है तो आप केक दें, मिठाई खिलाएँ, उससे एक आपको एक सोसाइटी का, सभी लोगों का, समाज के लोगों का आपसी समन्वय होता है, आपसी जुड़ाव होता है लोगों का। और एक सरकारी व्यवस्था है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी क्या कहना चाहिए, किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई मतलब गलती होने की या किसी प्रकार की इस तरह की कोई चीज़ होने की जिसमें ये पैसा वेस्ट हो जाए या इसका कोई गलत यूज़ हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसके लिए भी लोग यदि यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ करेंगे तो इससे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। तो हमारा मूल उद्देश्य ये रहेगा कि योजना का प्रचार प्रसार करें और योजना के बारे में लोग जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो सभी जिनकी भी है वो आए आके खाना खाएं। और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना शुरू होने जा रही है, तो उसको भी साथ साथ हम इसका भी निरीक्षण करते रहेंगे, लोगों को मैं बात करते रहेंगे, ताकि वो भी जिस प्रकार से शहरी इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना प्रचलित हुई है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार। जिला कलेक्टर पुरोहित ने बताया कि निरीक्षण का मूल उद्देश्य इंदिरा रसोई के तहत मिल रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के साथ इसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि आमजन को इस योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। इंदिरा रसोई संचालक भी इसके संचालन में उत्साह के साथ कार्य करें। उन्होंने भामाशाह से अपील की कि वे अपने सामाजिक उत्सवों के दौरान अपनी तरफ से भोजन करावें, अपनी खुशियों में इंदिरा रसोई को शामिल करते हुए मिष्ठान वितरण करावें। इससे समाज में एक सुखद संदेश का संचार होगा। शहरों की तरह ग्रामीण स्तर पर भी इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जाएगा।